जी वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर लिसनिंग टू धमाल एफएम 94। इट्स मी योर ओन आरजे, योर रॉक स्टार अहमद शेख, और मेरा आपका साथ रहेगा 2 बजे तक। ये कुछ दिनों से बहुत ज्यादा फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे मैं एक चीज देख रहा हूँ, डिस्कस हो रही है बर्मा के मुसलमानों के हवाले से जी, कि वहां पर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। नो डाउट बहुत जुल्म हो रहा है, लेकिन एक बात जो बहुत ज्यादा नोटिस की गई है कि हमारे लोग, खास तौर पे पाकिस्तानी, इन्होंने सोशल मीडिया पर जहाद बहुत ज्यादा किया है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर जहाद किया गया, ये बहुत आसान जहाद था, इसको बड़े अच्छे से निभाया हम पाकिस्तानियों ने मिलके। लेकिन एक और भी जहाद है जो जरा मुश्किल है, जिसमें हमें थोड़ा सा अपनी ईगो को जो है सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जिसके लिए हमें किसी दूसरे का बाजू बनना पड़ता है, और वो जहाद है प्रैक्टिकल जहाद। जब हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द कोई जुल्म होता है तो हम आंखें बंद कर लेते हैं, तब हमें फर्क नहीं पड़ता कि सामने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हम बस जुल्म देखते चले जाते हैं, खामोश रहते हैं जी कि सामने वाला बड़ा ताकतवर आदमी है भाई, तब कहां होता है हमारा जहाद। एक औरत जिसके बेटे को कत्ल कर दिया जाता है, वो बयान देती है जी कि मैं मुकदमा नहीं लड़ सकती अपने बेटे के कातिलों के खिलाफ, क्योंकि वो बासर लोग हैं और मेरी 2 जवान बेटियां हैं। तब ना किसी वकील को याद आता है आईन, ना किसी ताकतवर को, किसी हुक्मरान को कानून याद आता है, आईन याद आता है, किसी को याद नहीं आता। आसमा जहांगीर साहिबा भी खामोश रहती है, लेकिन जैसे ही बर्मा में कोई जुल्म होता है तो हम सारे जो है एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ कहने की हद तक होता है। तो भाई तब क्यों तकसीम हो जाती है जब हमारे अपने लोग मर रहे होते हैं, तब क्यों हम जात पात फिरकों सूबों में बढ़ जाते हैं जब किसी गरीब पर जुल्म हो रहा होता है, तब भी एक जहाद बनता है, तब भी पूछना चाहिए कि सिस्टम ठीक नहीं है, इसको बदलना होगा, तब भी हमें एक दूसरे का बाजू बनना होगा और बनना चाहिए हमेशा। जो भी मुश्किल में है उसका साथ देने की कोशिश किया करें, चाहे वो मॉडल टाउन में जुल्म हो, सिंध में हो, या कहीं पे भी हो। जुल्म तो जुल्म है, उसको फिर किसी जात पात तासुब सियासी जमात से बालातर होकर देखना चाहिए और जहाद समझकर उसकी मुखालफत करते रहना चाहिए।